वेलकम माय डियर स्टूडेंट, टुडे अवर टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। देखिए बेटा, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन, आप जैसा कि वर्ड से ही समझ गए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक सब्सटेंस का, मटेरियल का एक प्लेस से दूसरी जगह जाना या भेजना, है ना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या प्रोसेस हम में भी होती है, प्लांट में भी होती है, डेफिनेटली ये प्रोसेस हम में भी होती है और प्लांट में भी होती है। जो हम में ट्रांसपोर्टेशन प्लेस प्रोसेस होगी, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है, या यूँ कह लें कि जिनमें भी, जिन एनिमल्स में ब्लड पाया जाता है, ब्लड फ्लूड पाया जाता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम पाया जाता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम, उनमें उसे क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। और प्लांट में, प्लांट में तो अब ब्लड होता नहीं है, तो किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्वाभाविक है, वाटर का प्लस फूड का, है ना। वाटर की नीड तो है उसे, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेसिक नीड है ना, फूड की नीड है क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो वाटर और फूड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की अपर लीफ से लेकर रूट की जो सबसे नीचे ब्रांच है उस तक को चाहिए, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन, तो ये प्रोसेस तो होना ही है, लेकिन किसका होगा, वाटर और फूड का, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। एक ही है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक ही प्रोसेस हो रही है, सिर्फ लिविंग सेल अलग अलग हैं तो नाम भी चेंज हो गए। इन ह्यूमन बींग सर्कुलेटरी सिस्टम, इन प्लांट तो ट्रांसलोकेशन। अब अगर मैं वाटर का बात करूं तो इसमें जो है वाटर को कैरी कौन करती है, जाइलम सेल्स, और फूड को कौन करती है, फ्लोएम। तो दे आर द बेसिक ऑर्गन इन प्लांट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। और अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग कहें, तो सर्कुलेटरी सबसे मीडियम, सबसे पहला मीडियम हमारे बहुत ज़रूरी जो है, जो यहाँ से वहाँ ट्रेवल करता है, वो क्या है, ब्लड। दूसरा हार्ट, क्योंकि अगर ये हार्ट है तो ही प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है मिक्स की जाएगी, मतलब मिक्स तो लंग्स में की जाएगी, लेकिन वहाँ से प्रेशर के द्वारा डिफरेंशिएट करके क्या होगी, ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई की जाएगी। तो जो हमारा अंदर एक पंपिंग का एक स्वाभाविक है ना, हार्ट यहाँ है या लंग्स यहाँ है, तो हमें टोस तक पहुँचाना है, हेड तक पहुँचाना है, स्वाभाविक है ऊपर नीचे सब जगह पहुँचाना, तो एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो ये प्रेशर पंप का काम कौन करेगा, हार्ट। थर्ड, आप स्वाभाविक है एक पाइपलाइन से पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई बहुत मुश्किल है, तो क्या होगे, यहाँ पर जो है वो मेन पाइपलाइंस रहेंगी और उससे छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकलेगी, तो स्वाभाविक है मेन जो पाइपलाइंस रहेगी वो रहेगी आर्टरी और वेन, ठीक है, आर्टरी और वेन दोनों रहेंगे, है ना। और इनके जो मैंने क्या कहा कि दो मेन पाइपलाइन रहेगी और इनकी ब्रांचेस भी रहेगी, जिसे क्या कहा जाएगा, कैपिलरीज, ठीक। तो इस तरह से ये इसके मेन ट्रांसपोर्टेटिव ऑर्गन रहेंगे, और प्लांट में जो है वो फ्लोएम, ट्रैकेट सेल्स भी रहेंगी, ठीक है, कंपेनियन सेल्स रहेंगी, जिनके बारे में हम जब अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग पढ़ेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन सिस्टम इन प्लांट पढ़ेंगे, तो हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस एक मटेरियल सब्सटेंस को, सबसे मोर मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मटेरियल क्या है बताइए, किसी भी लिविंग सेल, स्वाभाविक है ऑक्सीजन, क्योंकि दे बोथ आर द रेस्पिरेटरी, मतलब दे बोथ आर डूइंग रेस्पिरेशन, ये दोनों रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, दोनों को एनर्जी नीड है, और वो एनर्जी किससे प्रोड्यूस होगी, जब ये ऑक्सीजन इनहेल होगी, ऑक्सीजन अंदर होगी, तो ऑक्सीजन बहुत नीड है इसकी, तो स्वाभाविक है ट्रांसपोर्टेशन दोनों में किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, फिर एनर्जी का होगा, है ना।
फूड का होगा, वाटर का होगा, और भी जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है उनका होगा, है ना। वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, वेस्ट जो लिक्विड मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो बेसिकली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट सेल के अकॉर्डिंग उसे डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए, सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसलोकेशन, जो हम वन बाय वन डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।